हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के फ्री पब्लिक बारबेक्यूज के बारे में, और हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इन पर फूड कैसे कुक होता है। तो ये है बारबेक्यू, और यहाँ पर दो अभी अवेलेबल हैं, एक ये रहा और एक वो रहा। तो अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसको कैसे ऑन करना है, और फिर हम यहाँ पर खाना भी बनाएंगे, और देखिएगा आप लोग कि हम क्या क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, हाँ, और यहाँ पर देखिए क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, कैसे ऑन करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या करना है, मैं अभी देखती हूँ, प्रेस एंड होल्ड द स्टार्ट बटन अनटिल लाइट टर्न्स ऑन, और ये रहा इसका स्टार्ट बटन। तो इसको मैं ऑन करती हूँ, और यहाँ पर देखते हैं लाइट ऑन होती है क्या। यस, तो आपने देखा ये लाइट ऑन हो गई है। अभी उसके बाद ये है कि प्री हीट द हॉट प्लेट बिफोर कुकिंग। तो अब ये वाला हमने ऑन किया है और ये हॉट प्लेट गर्म हो जाएगी, तो हम इसे ऊपर से चेक कर लेंगे। इसको हमें टच नहीं करना है क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि इसे टच नहीं करना है। तो लेट्स सी इसे कितनी देर लगती है गर्म होने में, एंड देन सो वी विल कुक। यस, ये कॉर्नेलियन बे पार्क है, तो आपने मेरी पहले भी एक वीडियो देखी होगी कॉर्नेलियन बे वाली वॉक की। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी वॉक है, यू नो, सामने समुद्र है, उधर बने हुए हैं बोट हाउस, बोट शेड्स जिन्हें कहते हैं, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा पार्क है। और ये तो बारबेक्यू है ही हमारा जिसपे अभी हम कुक करने वाले हैं। ये गर्म हो रहा है, हमने बटन ऑन करके छोड़ा है, तो लेट्स सी। अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो आज का प्लान हमारा यही है, थोड़ा सा फूड कुक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर फ्री में फूड कुक हो सकता है, और फिर बच्चों को थोड़ा सा पार्क में झूले झुलाएंगे, मस्ती कराएंगे, और फिर जाएंगे घर वापस। तो ये प्लेट गर्म होनी हो गई है शुरू, वैसे तो साफ ही है पर हम थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं इसे। तो ये हम अभी बना रहे हैं हैच ब्राउन, और हम लेकर आए हैं ब्रेड, तो हम हैच ब्राउन और ब्रेड का बनाने वाले हैं सैंडविच। ये ऑयल है स्प्रे वाला, तो ये इससे इजीली ना सब अच्छे से कुकिंग हो जाती है। हाँ, ये देखिए, ये इस हॉट प्लेट पे आप कुछ भी कुक कर सकते हैं, चिले भी बना सकते हैं, और मैं पराठा आपको सेक कर दिखाने वाली हूँ यहाँ पर, कि इस पर हम पराठा भी बना सकते हैं। तो आइए देखिए, यह हैं दाल के पराठे। तो एक तरफ बन रहे हैं पराठे और एक तरफ कुक हो रहे हैं हैश ब्राउन। तो इस हीटिंग प्लेट पे, इस हॉट प्लेट पे आप चीले बना सकते हैं, पैनकेक बना सकते हैं, अपना कोई सा भी फूड गर्म कर सकते हैं, कुछ भी रोस्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री है। और ऑस्ट्रेलिया में ये जो बारबेक्यूज हैं ये आपको ऑलमोस्ट सभी पब्लिक पार्क्स में मिल जाएंगी। तो ये देखिए मेरे पराठे कितने बढ़िया सिक गए इस पे। आपको नहीं खाना पराठा, आप हैश ब्राउन खा लेना, ओके, विद द ब्रेड, ओके। ये देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे से बन गए हैं, और हैश ब्राउन भी बस कुक होने वाले हैं। अब हम ब्रेड भी टोस्ट करेंगे इसी पर। और ये लाइट अभी भी ऑन है, तो जब ये लाइट ऑफ हो जाएगी तो हमें इसे दोबारा से ऑन करना है। और अब कर लेते हैं हम ब्रेड टोस्ट। पराठे हो गए हैं रेडी, और ब्रेड भी टोस्ट हो गई है, हैश ब्राउन भी हो गई है ऑलमोस्ट। यू लाइक हैश ब्राउन? सबसे अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया की है कि पब्लिक बारबेक्यू ऑस्ट्रेलिया में है। हम यूरोप में भी रहे हैं, यूरोप में ऐसे पब्लिकली हमने तो नहीं देखे, एटलीस्ट जब तक हम थे तब तक तो नहीं थे,
बाद में बन गए तो क्या नहीं करते। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है एक्चुअली ऑस्ट्रेलियंस के लिए या जो यहाँ पर रहते हैं ना, कि आप मतलब कभी भी आओ अपना फूड कुक कर लो, और सभी जगह पर ये फ्री है। बहुत रेयर ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर कॉइन सिस्टम है, लेकिन वो बहुत ही कम है। अदरवाइज तो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में ये जो बारबेक्यूज हैं ये फ्री हैं, फ्री फॉर एनीवन, एनीवन कैन कम, एनीवन कैन कुक। तो हमारा सारा फूड कुक हो गया और ये लाइट भी देखिए बंद हो गई है, तो मैं इसे दोबारा ऑन नहीं कर रही हूँ बिकॉज वी डोंट नीड। तो ऑलमोस्ट ये लाइट जो थी वो 20 मिनट तक ऑन थी, और 20 मिनट के अंदर अंदर हमारे पराठे भी सिक गए, हैश ब्राउन भी बन गए, ब्रेड भी टोस्ट हो गई है। अब हम बनाते हैं इसके सैंडविच। फूड हो गया है हमारा कुक और अब टाइम है बैठ के खाने का। तो एक और अच्छी बात है वो ये कि ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बेंचेस लगा रखी हैं, एक एक यहाँ पे लगी हुई है और इसी बारबेक्यू के एक इस साइड भी बेंच लगी हुई है और एक और एक्स्ट्रा बेंच लगी हुई है वहाँ पर। तो आराम से आप काफ़ी सारे जने हैं अगर तो आप आराम से बैठ के भी खा सकते हैं, खड़े होके भी खा सकते हैं, तो प्रॉपर टेबल चेयर भी आपको मिल जाएगी। और अब विक्रांत बना रहे हैं सैंडविच, ये लगा दिया है टोमेटो सॉस। सुबह सोविक टोमेटो सॉस खाएगा? नो नो, क्या खाएगा फिर? अच्छा, सोविक को तो सिर्फ और सिर्फ क्या खाना है? अच्छा, सिर्फ हैश ब्राउन खाना है। बच्चों को लग रही है भूख, निधि को बहुत तेज भूख लगी है तो खाते हैं। ये बना दिया है निविका का सैंडविच, सोविक भी हैश ब्राउन खा रहा है और खाएंगे अपने पराठे और सैंडविच। तो आप भी आइए हमारे साथ और फूड एंजॉय कीजिए। हाउ इज इट सोविक? यम्मी। पराठा और ये है टोमेटो सॉस। यम्मी पराठा। और हमारे गेस्ट आ गए खाना खाने के लिए। खाना हो गया और ये प्लेट भी हो गई है ठंडी, तो अब इसे साफ करेंगे क्योंकि आपने देखा था ना जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये ऑलमोस्ट क्लीन ही था। तो यहाँ पर यही है कि आप यूज़ करो और ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे क्लीन करो। हालांकि जो काउंसिल वाले होते हैं वो भी एवरी डे इन्हें क्लीन करते हैं, बट नॉर्मली लोग खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वो कुक करने के बाद ना इसे क्लीन कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। एक और सबसे अच्छी बात यह है कि पास में ही आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, तो आपका जो भी कचरा है उसे उठाओ और इधर उधर मत फेंको, सीधा इनमें डाल दो एंड दैट्स इट। और खाने पीने के बाद अब ले आए हैं हम बच्चों को पार्क में, अभी करेंगे थोड़ी सी मस्ती। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफाई होता रहे। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही।